दोस्तों, विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है, जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है। और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है, जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है, और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर, और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों, विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल
मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है। और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है। और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू
अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं या नहीं आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इसी प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि अमुख की भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं या नहीं आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इसी प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे
12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इसी प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे
सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ बेकार से, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं, हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ बेकार से, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं, हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत
की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य, और इसे हैदराबाद, न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है, जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है, जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है, और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और मूवी की स्टोरी कुछ ही प्रकार से इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों, विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं, हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को, और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य, और इसे हैदराबाद, न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है, जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है, जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने
घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर,
गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है, गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है, और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से, इसमें को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों, विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को, और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदू के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदू के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है, गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से
बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें को देखना चाहते तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने।
इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर, और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं, हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है।
बात करें इस मूवी की स्टोरी, की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है। और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही बेकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है। और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही बेकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं
और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में विनला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.24 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में विनला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे
5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही बेकार से इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही बेकार से इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप
देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 out of 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 out of 2.4 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है, और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 out of 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 out of 2.4 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल
मधुरमू कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि अमो की भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदू के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदू के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुरमू कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि अमो की भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू
अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से, इसमें देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवर कुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवर कुंडा विजय देवर कुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवर कुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से, इसमें को देखना चाहते तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवर कुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवर कुंडा विजय देवर कुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे
12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदू के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदू के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे
सबक सिखाने की कसम खाता है वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है। और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि अमुख भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत
की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य, और इसे हैदराबाद, न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है, जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है, जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है, और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर, और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों, विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को, और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य, और इसे हैदराबाद, न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है, जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है, जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने
घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही बेकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही बेकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर,
गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इसी प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर, और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों, विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से
बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ बेकार से, इसमें को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में विनला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ बेकार से, इसमें को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने।
इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पे अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही बेकार से इस मूवी को देखना चाहते तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं, हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पे अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है।
बात करें इस मुख्य स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उद्यमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें कुछ देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में विनेला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उद्यमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें कुछ देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं
और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं। यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका
में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद, न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इसमें देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद, न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप
देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 out of 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 out of 2.4 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवर कुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं, हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवर कुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है, और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है, और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है, और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 out of 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 out of 2.4 की रेटिंग मिली हुई है, और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं, हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा, और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया, जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था, और तीसरा एकल
मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है। और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इसी प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार, जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है, जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है। और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु
अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं या नहीं आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी की स्टोरी, स्टोरी में आपको देखने मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी इंदु से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। इंदु और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, उसे पता चलता है कि इंदु ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं या नहीं आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदम 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदम के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12
5 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। वह सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और हिंदू एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और हिंदू अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ ही प्रकार से इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10/5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है। दोस्तों विजय देवरकुंडा की जितनी भी मूवीज आती हैं बहुत ही बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर जाती हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इतनी बेहतरीन मूवीज नहीं होती हैं। उनकी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है द फैमिली स्टार जो कि 2024 में आई है। तो यह मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यदि आपको इनकी मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो द फैमिली स्टार 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यानी इस मूवी के डायरेक्टर परशुराम हैं और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा भी है। उत्पादित किया है इस मूवी को दिलराजू और सीरीज ने। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 अप्रैल 2024 को और इसकी लंबाई 163 मिनट की थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस में अभी सिर्फ 19.78 करोड़ ही कमाए हैं। बात करें कास्टिंग की तो आपको गोवर्धन के रूप में आपको इस मूवी में देवरकुंडा विजय देवरकुंडा और इंदु के रूप में आपको मरलाल ठाकुर, इंदु के पिता के रूप में जगपति बाबू, समर्थक के रूप में वेनिला किशोर, गोवर्धन के भाई के रूप में आपको रवि प्रकाश देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। संगीत की बात करें तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर गोपी सुंदर द्वारा रचित है जो गीता गोविंदन 2018 और वर्ल्ड फेमस लवर 2020 के बाद विजय के साथ उनका तीसरा संयोग था। गीता गोविंदन के बाद परशुराम के साथ दूसरा पहला एकल नंदा नंदना 8 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। इसके बाद कल्याणी बच्चा बच्चा आया जिसे 12 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था और तीसरा एकल मधुर मुंह कड़ा 25 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। दोस्तों द फैमिली स्टार को शुरू में संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाना था लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 5 अप्रैल 2024 को तमिल डब संस्करण के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों फिल्म की अधिकारी घोषणा फरवरी 2023 में संभावित शीर्षक VD13 के तहत की गई थी क्योंकि मुख्य भूमिका में यानी मुख्य अभिनेता की भूमिका में विजय देवरकुंडा की 13वीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में इस मूवी की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में सूर्य और इसे हैदराबाद न्यूयॉर्क सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छुटपुट रूप से शूट किया गया था। फिल्म का संगीत गोपी सुंदर ने तैयार किया है। बात करें इस मूवी स्टोरी की, स्टोरी में आपको देखने को मिलता है गोवर्धन एक मध्यम वर्गीय युवक एक वस्तुकार है जो हैदराबाद में छोटी सी कंपनी के लिए काम करता है और हमेशा कई वित्तीय और पारिवारिक मुद्दों से बोझिल होता है और वह एक अमीर उगमी हिंदू से मिलता है जो अपने घर के शीर्ष स्तर को किराए पर लेती है और जल्द ही गोवर्धन को परिवार के करीब हो जाती है। हिंदू और गोवर्धन दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जैसा कि गोवर्धन उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है उसे पता चलता है कि हिंदू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर लिया है। गोवर्धन यह सुनकर चौंक जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे
सबक सिखाने की कसम खाता है हुआ। सीधे न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में पद स्वीकार कर लेता है और कंपनी में शामिल होने के बाद गोवर्धन को एक और चौंकाने वाला मोड़ पता चलता है कि गोवर्धन और इंदु एक दूसरे से नफरत करते हैं और बड़े संघर्ष में पड़ जाते हैं। गोवर्धन और इंदु अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं और एक साथ होते हैं, यानी आपको मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर। और इसमें की रेटिंग बात करें तो IMDb से 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5 आउट ऑफ 2.4 की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% की रेटिंग लाइक मिली हुई है।